हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट उसका, जिसमें आपका आएगा सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले बेसिकली आपका, जब आप कोई भी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जब आपका सॉल्यूट जो होगा वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा तो वो आपका किस चीज़ के लिए बताएगा, वो बताएगा कि आपका सॉल्यूट है वो कितना सॉल्यूबल है या नहीं है, आपके सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो सब चीज़ें आपकी उसके अंदर आएंगी। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व। एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट होता है जहां पर आपका कोई भी अमाउंट है, दैट मीन सॉल्यूट है, वो आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसी भी अमाउंट के सॉल्वेंट में। आपके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब आपका जो सॉल्यूट है, सब्सटेंस है, वो आपका किसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर सॉल्युबिलिटी। देखिए आपका नेचर क्या होता है, इसमें आपके ये भी बताया हुआ है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी आपके डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, कि आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है। ठीक है, सेकंड आता है सॉल्वेंट के नेचर पर, कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी। नेक्स्ट आपका किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और लास्ट आपका डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस किस, तीन फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, एंड आपकी प्रेशर पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब आपका जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, आपका सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर लिक्विड रहेगा। तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने एक बेसिक सी चीज़ देखी होगी कि आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड एंड जो शुगर होती है, वो आपकी वाटर में ईजिली डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर उसकी जगह सेम अगर हम वाटर में नैप्थलीन को या फिर एंथ्रासीन को डिजोल्व करना चाहेंगे वाटर में, तो वो आपकी डिजोल्व नहीं होगी। आप ट्राई भी कर सकते हैं, आपकी जो नैप्थलीन बोल्स होती हैं वो अगर आप डिजोल्व करना चाहेंगे ना, तो वो आपकी डिजोल्व नहीं होगी। इस केस में क्या होता है, ऐसे ही आपका क्या होता है, जो नैप्थलीन होता है और एंथ्रासीन होता है, ये ईजिली आपका किसमें, बेंजीन में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और सेम चीज़ अगर आप देखेंगे कि जो आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है और शुगर है, वो किसमें नहीं डिजोल्व होगा, वो बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक डिजोल्व लाइक। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो पोलर सॉल्यूट होते हैं, पोलर जो भी आपके सॉल्यूट होंगे वो आपके डिजोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, एंड जो आपके नॉन पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो आपके डिजोल्व होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ये आपके सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पोलर पोलर में डिजोल्व होगा एंड नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अगर आप वाटर को, आपको पता है वाटर आपका क्या है, पोलर है नेचर में, तो आपका जो NaCl है और शुगर है, दैट इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। साथ साथ अगर आप देखें कि आपका आपका क्या है, नैप्थलीन है और एंथ्रासीन है, वो कैसा है आपका, वो आपका नेचर में नॉन पोलर है, तो वो बेंजीन के साथ डिजोल्व हो जाएगा। कभी भी नॉन पोलर पोलर के साथ डिजोल्व नहीं होता और पोलर नॉन पोलर के साथ डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, कि पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर आपका नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो इससे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गिवन भी है कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट्स ये आपस में डिजोल्व नहीं होते। आपका क्या होगा, अगर आपका दोनों चीज़ें क्या है, पोलर पोलर है या फिर नॉन पोलर है, उस केस में आपकी दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, आप किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो आपका सॉल्यूट क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, उसमें घुल जाता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, तो जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, सॉरी सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, वो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज डिसॉल्यूशन। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस सॉल्यूशन।
कुछ ऐसे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके सॉल्यूशन में कैसी फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो आपके ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, उसमें कोलाइड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूट है वो उसमें मिक्स होने के बाद एक और किसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हम क्या, और जो उसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपका उस सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो पाएगा उसके बाद, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली आपके क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब भी आप सॉल्यूट को उसमें सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो वो एक कोलाइडल की फॉर्मेशन ले लेगा। आपने 9th क्लास में ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन पढ़ा होगा, उसी में से आपका एक क्या है, कोलाइडल आता है। तो आपका क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेता है। जब क्रिस्टल की वो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब एक ऐसी भी स्टेज यहाँ पर पहुँच जाएगी जिसमें आपके दो प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब उन दोनों प्रोसेस में क्या रहेगा, आपका जो रेट होगा वो सेम होगा, मतलब जो रिएक्शन आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, सेम टाइमिंग में होगी। और उसमें कंडीशंस आपकी क्या क्या होगी, कंडीशंस सबसे पहले क्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो भी आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जिसको हम किसमें सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के लिए ले रहे हैं, वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, वो आपके सॉल्यूट पार्टिकल जो आपका सेपरेट आउट हो रहा है ना जो क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जब आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है और रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों सेम रेट से हो रहा है, मतलब सेम स्पीड से हो रहा है। जितना कन्वर्जन आपका रिएक्टेंट जितना कन्वर्जन में टाइम ले रहा है, उतना ही जल्दी आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और आपने 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, देखिए आप ये बता सकते हैं इजीली कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वो आपके सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं आपकी, किसकी, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, आपका जो सॉल्यूट है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है सॉल्यूशन की। यही हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस में, आपने जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था, और यही आपके क्या होते हैं, यही आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जब एक सॉल्यूट आपके किसी भी सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेज पर क्या होता है, एक कंसंट्रेशन जो है वो आपकी सॉल्यूट की क्या होती है, वो आपकी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे। लेकिन आपका यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में वो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब डिजोल्व होने की जो उसकी टेंडेंसी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, किस पर, एक किसी फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर आपका जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है सॉल्यूशन को डिसॉल्व होने में, आपका जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप पानी गर्म लेंगे तो चीनी इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पानी नॉर्मल लेंगे तो वो धीरे धीरे मिलेगी, और ठंडा लेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको मिक्स करने के लिए। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, आपका डिपेंड करता है किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए डिपेंड करता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं, ऐसे ही आपकी जो गैसेस होती है ना, जब भी वो किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं किसी भी गैस को, तो वो भी आपकी किस पर होती है, आपका एक उसमें भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका किसके बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं कि एक ऐसे पॉइंट आ जाए आपका जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं कि अब आपका कोई भी सॉल्यूट उसमें डिजोल्व ही ना हो पाए। जब आपका कोई भी सॉल्यूट जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपने पानी ले लिया एक ग्लास, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली और आप उसको मिक्स हो गए, फिर आपने थोड़ी सी और डाली, फिर मिक्स हो गई, फिर थोड़ी और डाली और अब क्या हो गया, वो पानी में शुगर मिक्स होना बंद हो गया, लेकिन आपने फिर भी स्टिर कर करके उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं कि जिसमें अब आपका और शुगर दैट इज सॉल्यूट मिक्स नहीं हो पाएगा, दैट विल बी नोन एज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें, मतलब जब तक आपका सॉल्यूट उसमें डिजोल्व होता जा रहा है ना, तब तक वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। जैसे ही आपका सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो गया, उसे हम क्या कह देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए ये लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। ये आप
डिसॉल्व करते जाएं सॉल्यूट को और वो आपका डिसॉल्व होता जाए किसी भी सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ना आपको चेंज करना, इंक्रीज करना है, ना ही डिक्रीज करना है। ऐसे टाइम पर हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, फिर से ये टर्म आ गई है। डायनेमिक में मतलब आपका जो सेम रेट से हो रहा है कन्वर्जन प्रोडक्शन, क्या हो रहा है, सेम रेट से हो रहा है। कब तक होगा, जब तक आपका किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन के डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसमें, जब आपका अनडिसॉल्व जो सॉल्यूट है अनडिसॉल्व रहेगा, वो धीरे धीरे क्या बनाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है ना, वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप उसमें डिसॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो सॉल्यूट में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। ठीक है, अब देखो जो कंसंट्रेशन होती है आपकी सॉल्यूट की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो कैसे डिसॉल्व होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है कि कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकता है कोई भी सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज योर सॉल्युबिलिटी। देखो अब जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पर वो डिपेंड करती है। बेसिकली आपका क्या आता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, चाहे आप सॉलिड इन लिक्विड ले लीजिए, ठीक है, या फिर गैसेज इन लिक्विड ले लीजिए, ये आपके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड्स की। तो सॉलिड इन लिक्विड की जब हम बात करेंगे, तो हम जानेंगे कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर पर आपकी डिपेंड करेगी, और एक आपका किस पर डिपेंड करेगा, वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर का देखिए, आपको भी पता है कि जो आप किसी भी सॉल्वेंट का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉलिड, किसी भी सॉलिड, सॉलिड यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, सॉलिड हम ले रहे हैं सॉल्यूट के लिए, ठीक है, और लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पर, तो वो किसके बारे में बताएगा, वो आपकी किससे इफेक्टेड होगी, दैट विल बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी आपकी हाई रहेगी, एंड वाइस वर्सा, अगर आपके टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका किसने, आपका एक प्रिंसिपल भी था, ली चटर्जियल प्रिंसिपल्स, उन्होंने भी इसके बारे में बताया हुआ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और उसमें डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई है। यहाँ पर देखिए आपका जो सॉल्युबिलिटी होती है, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, तो आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, मतलब जब तक आपका सॉल्यूट इजीली पूरा उसमें घुला नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या है, आपका डेल्टा एच क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी होगा, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स आपका जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट जब कोई एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो ऑब्वियसली आपका जो डेल्टा एच है वो किससे, जीरो से बड़ा हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है राइजिंग टेम्परेचर से, आपने हीट प्रोवाइड करी तो दैट मीन्स आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से आपकी क्या हो गई है, आपका जो सॉल्यूशन है वो इजीली आपका सॉल्वेंट में आपका जो सॉल्यूट है वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो आता है, अगर आपका प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो अब हीट रिलीज होगी तो आपका जो डेल्टा एच है सॉल्यूशन के लिए वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी शुड बी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। आपने पानी था, गर्म पानी लिया, ठीक है, उसको आपने नॉर्मली भार रख दिया, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा,
तो हीट वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और ठंडे पानी में अगर आप शुगर को मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी। तो जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से समझ में आता है कि एंडोथर्मिक में क्या है, टेम्परेचर आपका हाई है, टेम्परेचर जब हाई होगा तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका क्या है, एक्सोथर्मिक से पता चलता है क्या, एक्सोथर्मिक से पता चलता है कि टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर आपका लो हो गया, हीट उसने रिलीज कर दिया है, तो इस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी सॉल्युबिलिटी पर वो भी देख लेते हैं। देखो प्रेशर का बेसिकली आपका जो है डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ना, इनकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने सॉलिड एंड लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसके अकॉर्डिंग सॉलिड और लिक्विड्स क्या होते हैं, आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब जो चीज़ कंप्रेसिव नहीं होगी तो वो मिक्स कैसे होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रेशर का क्या है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ड्यू टू बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड क्या होते हैं, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो ड्यू टू दैट इनका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी पर ऐसा कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, तो क्लियर है आपको सॉलिड एंड लिक्विड्स के बारे में। जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर। टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर का आपका एज सच सॉलिड इन लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज दोनों ही क्या है, आपके इनकम्प्रेसिबल है। तो जब वो चीज़ें कंप्रेस नहीं होगी तो वो आपके डिजॉल्व भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कि आपकी जो गैसेस होती है वो आपके लिक्विड में कैसे डिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका, कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आपकी किस में डिजॉल्व होती है, वाटर में डिजॉल्व रहती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो उसमें से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं इनहेलिंग के पर्पज़ से। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी आपकी गैसेज होती है जो वाटर में डिजॉल्व रहती है, ऑक्सीजन जो है वो आपकी बहुत अच्छे से मतलब कुछ एक्सटेंड तक वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इतने हो जाते हैं कि इजीली एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, अपनी लाइफ को वहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, साथ साथ आप जान सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है, HCl गैस है, वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, जिससे वो वाटर को क्या है, एसिडिक बना लेती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वाटर आपका फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किससे, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो प्रेशर का आपका जो प्रेशर का रिलेशनशिप है वो गैस के साथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हाईली वो किससे अफेक्टेड रहती है, हाईली वो आपकी अफेक्टेड रहती है प्रेशर से, और साथ साथ किससे अफेक्टेड रहेगी, साथ साथ वो अफेक्टेड रहेगी टेम्परेचर की। तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिपेंड करती है आपकी प्रेशर एंड टेम्परेचर का। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी, गैस उसमें वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगी, किसी भी लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। आपको पता है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट आपकी जो गैस होती है दैट गैस इज हाईली इनकम्प्रेसिबल, सॉरी हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, तो ईजिली वो क्या होते हैं, आपके कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी गैस क्या है, ईजिली कंप्रेस हो जाएगी, ड्यू टू दैट वो आपकी किसी भी लिक्विड में आराम से डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट देखो, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर गैस आप क्या लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गैस किसी भी सॉल्वेंट में हम ले रहे हैं, तो उसमें एक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके एक सिस्टम बताया गया है, इसमें देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम में बताया गया है कि आपका क्या है, ये आपका नीचे तो आपका क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, देखो ठीक है, ये आपका क्या है, कोई लिक्विड प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपकी क्या है, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
ठीक है, और ऊपर इसको पिस्टन से क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, ताकि इस पर क्या कर सके, प्रेशर अप्लाई कर सके या फिर गैस आपकी बाहर रिलीज ना हो। ठीक है, तो देखो अब आपके एक नॉर्मल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उसके ऊपर वेट रखकर नॉर्मल सा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपकी गैस ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पा रही है। अब इसमें क्या किया है, यहाँ पर आपने वेट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया है, तो दैट मीन्स आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपकी जो गैस क्या हो जाएगी, तो वो गैस इसका लेवल कहाँ तक था, यहाँ तक था, तो आप गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, क्योंकि गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, तो ईजिली वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ जो सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं कि लोअर पार्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड अपर पार्ट क्या है, आपका गैसियस है, और वो सिस्टम किस पे है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर इसका आप कॉन्स्टेंट प्रेशर लोगे, इस पर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर टी। आपको अज्यूम करना है कि ये भी क्या है, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इन कंडीशंस में आपका जो रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल का है ना, जो आपका जितनी स्पीड से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वाटर में मिक्स होंगे, उतनी ही स्पीड से वो क्या होंगे, यहाँ से अगर उसको प्रेशर कम हो जाएगा तो ईजिली वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एंटरिंग और लीविंग जो सॉल्यूशन में हो रहा है ना गैस का, वो क्या रहेगा, हमेशा उस रेट जो वो रेट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अगर यहाँ पर 1 यूनिट प्रेशर था तो यहाँ पर कितना हो गया, अब यहाँ पर सबका 3 यूनिट प्रेशर हो गया, तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो गई, आपकी गैस क्या है, कंप्रेस हो जाएगी इजीली, और वो स्मॉलर वॉल्यूम में ही क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी, क्योंकि आपने जब प्रेशर अप्लाई किया तो वो स्मॉलर वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो गई है। इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपकी एक अगर एक छोटी सी वॉल्यूम ले ये, ठीक है, अगर आप 1 यूनिट वॉल्यूम ले, तो इसमें क्या है, अब आपकी गैसेस पार्टिकल ज़्यादा है, पहले तो आपकी क्या था, एक्सपेंडेड थे, यहाँ पर ऑब्वियसली इस यूनिट में कम होंगे, इस यूनिट वॉल्यूम में आपके क्या है, गैसेस पार्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि वो कंप्रेस हो गई है, जिससे क्या होगा, जो सोल्यूशन एंड उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, आपका गैसेस पार्टिकल का जो रेट है, या फिर गैसेस पार्टिकल्स हैं वो आपके सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, या फिर जो सॉल्यूशन पर है, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने लगेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने लगेंगे, जिससे क्या होते हैं कि आपके जो ये गैस के पार्टिकल्स होते हैं वाटर में मिक्स होने लग जाते हैं। जो सॉलिबिलिटी होती है आपकी गैस की, वो किसके साथ इंक्रीज होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज विद प्रेशर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो हेनरी थे उन्होंने अपने क्वांटिटेटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि प्रेशर और सॉलिबिलिटी होती है ना दोनों, वो आपकी उनके बीच का जो रिलेशन बताया था वो किसने बताया था, हेनरी लॉ ने बताया था, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, जो आपकी गैस की सॉलिबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड में, वो आपकी किसके प्रोपोर्शनल होगी, कि जितना पार्शियल प्रेशर आप उसके सरफेस को प्रोवाइड करेंगे, जितना प्रेशर आप यहाँ पर देंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, गैस आपकी किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगी। ये आपका किसने बताया था, ये हमारा हेनरी ने बताया था। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जितना भी आप उसको क्या देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी गैस उसमें डिजॉल्व होती जाएगी। पर यहाँ भी आपकी एक कंडीशन आ जाती है, कंडीशन क्या थी, कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो अपने फिर से बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे और वो स्ट्राइक करने लग जाएंगे, जिस वजह से वो इजीली मिक्स नहीं हो पाएंगे और गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाएगी पिस्टन के, तो इस वजह से यहाँ पर बताया गया कि आपका क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। डेल्टन कंटेम्प्री ऑफ हेनरी, इसने ये भी बताया था आपका कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली खुद से ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये वाला अपना लॉ दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। गैस पर जितना आप पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना ही वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी आपको कम देना होगा। वैसे आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो उसकी वैल्यू आपकी 1 के आसपास ही होती है, क्योंकि टोटल 1 के आसपास नहीं, 1 ही होती है, क्योंकि टोटल आपका पार्शियल प्रेशर क्या है,
वन होता है हमेशा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो वन के इक्वल होता है। तो हमेशा आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वन के आसपास ही रहेगा, लेकिन आप वन का ही रहेगा आपका टोटल मोल फ्रैक्शन। लेकिन अगर वो कम है ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस का, गैस का जो है, अगर कम होगा तो आपको पार्शियल प्रेशर कम देना पड़ेगा, अगर उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो आपको पार्शियल प्रेशर भी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग आपका रिलेशन आता है, दैट इज़ पी पार्शियल प्रेशर है और ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। पी आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं के एच। के एच को क्या बोला गया है, के एच है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इस दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ये देखो। वैसे भी आपका वही जो वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ चला जाता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्या होती है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ चला जाता है। तो आपका ये क्या, इस टाइप का आपको ग्राफ मिल जाएगा इसका, क्योंकि दोनों चीज़ें, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ये मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आपकी क्या होंगी, डिग्री इंक्रीज भी होंगी और साथ साथ डिक्रीज भी होगी। तो ये आपका ग्राफ आ जाता है किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कि अगर आपकी डिफरेंट गैसेज होंगी, अगर अलग अलग गैसेज होंगी तो आपकी जो वैल्यू ऑफ के एच है वो भी क्या रहेगी, अलग वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स अलग गैस है तो अलग ही आपकी क्या होगी, के एच की वैल्यू होगी। हर एक उसमें आपकी के एच की वैल्यू अलग अलग रहेगी हर गैस के लिए। बस आपकी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन दिस। दिस सजेस्ट दैट के एच जो है वो क्या है आपका, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, मतलब नेचर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग आपकी के एच की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसमें देखिए, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये बताया गया कि अगर आपकी हायर वैल्यू होगी किसकी, के एच की वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा होगी किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, तो आपकी स्लो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। दैट मीन्स आपका क्या है कि आप बोल सकते हैं कि के एच आपका क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आपकी ये अगर के एच की वैल्यू क्या है, हाई है, तो सॉल्युबिलिटी की क्या रहेगी, आपकी वैल्यू लो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज कि आपका जो के एच होता है, के एच की वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज होती है कब, जब आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए यही कंडीशन, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंडिकेट करेगी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी आपकी, यहाँ पर जैसे जैसे आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस आपकी क्या करेगी, ज़्यादा मूव करेगी। गैस ज़्यादा मूव करेगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, गैस ज़्यादा मूव करेगी तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए उसके लिए। रीज़न क्या है इसका, रीज़न भी यहाँ पर इसका रीज़न तो नहीं गिवन है, पर इसीलिए बताया हुआ है कि आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में आपकी ऑक्सीजन है वो ईजिली डिजॉल्व हो जाती है और उनको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। तो आपके सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कोल्डर वाटर में, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेनरी लॉ जो था आपका, उसने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बताई है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिनाज है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले तो आपका वही फिनोमिना आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक्स में विद हाई प्रेशर, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर है, कुछ भी आपका, तो हाई प्रेशर के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उस कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक आपकी लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपकी जो भी गैसेस है वो गैसेस स्टेट में, तो गैसेस एंड लिक्विड में बात कर रहे हैं ना, तो जैसे हम आप उसकी बॉटल को ओपन करते हो फिज साउंड आती है। ठीक है, तो वो गैस जो हमने प्रेशर पर फिल करी है, जैसे ही प्रेशर लूज होगा तो वो गैस आपकी रिलीज हो जाएगी एकदम से। ठीक है, सेकेंड आते हैं जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, वो मस्ट कोप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। देखो ये स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं ना, नीचे तक अंडर वाटर ये क्या करते हैं, वो करते हैं अपना, ठीक है, स्विमिंग करते हैं,
ठीक है, इस केस में क्या होता है कि नीचे जब जैसे जैसे नीचे जाता है तो प्रेशर, एक तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर भी आपका बहुत ज़्यादा कम होता है, नीचे ठंडा पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है वो ज़्यादा आपकी सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, तो उनकी गैसेज डिजॉल्व होती है तो वो नीचे ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज इन ब्लड, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा नीचे नीचे जाएंगे तो जो गैसेज वहाँ प्रेजेंट है तो उनके ब्लड में भी क्या होगी, वो ईजिली मिक्सडअप हो जाएंगी, और जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो ऊपर मतलब स्विमिंग करने के बाद जब वो वहाँ से निकलना चाहेंगे तो ऊपर आएंगे, उस केस में उसमें क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो नाइट्रोजन है वो एकदम से क्या करेगी, ब्लड में से रिलीज होने लगेगी। तो वहाँ पर क्या होता है ना, जब गैस नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है तो वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन नहीं हो पाती, जिस वजह से उनको बहुत इंजरीज हो जाती है, जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में, आपकी नाइट्रोजन गैस है वो ब्लड में से निकलती है, इसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, एक ऐसी सीरियस मेडिकल कंडीशन उनकी जनरेट कर देती है जिसे क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। ये जो सिचुएशन होती है ये आपकी बहुत पेनफुल होती है, साथ साथ डेंजरस टू लाइफ, उनके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकती है क्योंकि उनकी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ऐसी डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना उसमें जो गैस का रेशियो होता है ना ये रखा जाता है कि उसमें डाइल्यूटेड गैस ली जाती है, एयर जो है डाइल्यूटेड ली जाती है, हीलियम लिया जाता है उसमें, ठीक है 11.7, नाइट्रोजन लिया जाता है 56.2 और आपका ऑक्सीजन लिया जाता है 31%, जिससे नाइट्रोजन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है जब उसमें हीलियम डाला जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी अमाउंट आप देख सकते हैं, एयर में हमारी 21% होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी ली गई है, 32.1% ली गई है, जिससे उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस उनको नहीं करनी पड़ती, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जब वहाँ बहुत हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से आपका पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनको कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं तो उनको क्या होता है ना, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक, जिसके सिम्टम्स वो उनको दिखाई देते हैं कि ना तो वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं और ना ही अच्छे से सोच पाते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, ये आपकी एनोक्सिया डिजीज होती है, जो आपके कौन सफ़र करते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, और जो स्कूबा ड्राइवर्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट डिजीज इज नॉन एज बैंड्स डिजीज, नहीं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आपकी गैस इन लिक्विड्स में। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड है वो डिक्रीज करती है राइज इन टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर राइज होगा तो आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपके इधर 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 कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है। ठीक है, इस वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब वो फ्री है, वो एक्सपेंड होना चाहेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिस वजह से क्या होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ देखा, गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर सिमिलर टू द कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, कि जब आप उसको हीट करते हैं ना तो क्या होता है, आपके डिसोल्यूशन मतलब आपकी जो गैस है उसे सेपरेट होने लग जाती है और इस केस में आपकी हीट रिलीज होती है। ठीक है, इस सेक्शन को भी आप ली चटेलिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। तो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है वेपर प्रेशर के बारे में, ये हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो चुके हैं, प्लीज़ आप उन पार्ट्स को देखिए जिसमें हम आपके 12th क्लास के टॉपिक्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स, थैंक यू सो मच।